न्यायालय ने तो न्याय दिया, सुरेंद्र कुमार को आपसी न्याय करना उनके साथ। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष की लहर चल रही है, एक ही आवाज आ रही है, अब की बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस आ रही है बीजेपी जा रही है, तो भाई अपनी हिस्सेदारी मत छोड़ना, सरकार में सरकार बन रही कांग्रेस की। अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को आज हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद सोनीपत में आयोजित न्याय हक जनसभा में पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच से खूब गरजे। इस जनसभा में सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी थे, सुरेंद्र पवार की पुत्र वधु समीक्षा पवार भी थी। मंच से जनता को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि सुरेंद्र पवार ईमानदार नेता है, आज कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला है, इसलिए चुनाव में आप लोग भी उनके साथ न्याय करना। इतना ही नहीं, हुड्डा ने इस मौके पर ये भी कहा कि हरियाणा भर में कांग्रेस की लहर चल रही है, सरकार बनना तय है, इसीलिए सोनीपत की हिस्सेदारी मत गवाना। आज मेरे को थोड़ी आने में देर हुई, इस बात की माफी चाहता हूँ और जाना भी जल्दी है मेरे को। मैं तो हाजिरी हाजिरी लगा लो कि आज देखो न्यायालय ने तो न्याय दिया सुरेंद्र पवार को, आप भी न्याय करना उनके साथ, तब क्योंकि कांग्रेस ने साथ, मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ और आज यहाँ सोनीपत आया हूँ ये बताने के लिए कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष की लहर चल रही है, एक ही आवाज आ रही है, अब की बार कांग्रेस सरकार, कांग्रेस आ रही है बीजेपी जा रही है, तो भाई अपनी हिस्सेदारी मत छोड़ना, सरकार में सरकार बन रही कांग्रेस की, अच्छे अच्छे काम करेंगे, बुजुर्गों की विधवाओं की पेंशन 6,000 करेंगे, महिलाओं को 2,000 देंगे, भाई गरीब आदमी गांव में 100-100 गज के प्लॉट देंगे, और जो इन्होंने हमारे युवाओं के साथ मजाक कर रखा है ना, ठेके पर नौकरी दे रखी है 10 साल से, नतीजा ये हुआ 2 लाख पक्की नौकरी की जगह खाली है सेंक्शन पोस्ट। कांग्रेस सरकार आएगी तो अपने 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे हम अपने को, इस प्रकार से बहुत सारे काम करने हैं। और जो माहौल बना हुआ है अपराध का, पर जो अपने प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था, आज नंबर एक हो हमारा प्रदेश बेरोजगारी में, अपराध में और खेल खिलाड़ी को देख रहे हैं आप, जो हमारी पहलवान बेटी है अब तक न्याय नहीं मिल रहा, तो किसी काम की सरकार नहीं है ये मौजूदा सरकार, इसने हरियाणा को पिछाड़ने का काम किया है, आज समय आया है इसका बदलाव करने के लिए। यही मैं निवेदन करने आया हूँ, इस सरकार से पीछा छुड़ाओ, कांग्रेस की सरकार लेके आओ, मैं यही कहने आया हूँ कि भाई आप यहाँ से ज्यादा वोटों से सुरेंद्र पवार जी को जिता के भेजो, अच्छा ईमानदार आदमी है। वहीं न्याय हक जनसभा में सुरेंद्र पवार की पुत्र वधु समीक्षा पवार ने भी मंच से अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि झूठ कितना भी सफाई से बोला जाए, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सोनीपत के विधायक की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया है, जल्द ही वो आपके बीच होंगे। मैं सबसे पहले अपने देश की न्याय प्रणाली भारत के संविधान को शत शत नमन करती हूँ। आज सच्चाई की जीत हुई है, ये जीत सोनीपत की देवतुल्य जनता की जीत है। ये क्षण हरियाणा ही नहीं अपितु भारतवर्ष के इतिहास में दर्ज हो गया है कि सत्य परेशान नहीं है, परेशान बेशक हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। मैं मां साथ दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। अब 5 अक्टूबर का दिन दूर नहीं है जब सोनीपत की देवतुल्य मतदाता अपनी वोट की ताकत से भाजपा के अहंकार, षड्यंत्र, जन विरोधी नीतियों को हाथ का बटन दबाकर सोनीपत व हरियाणा प्रदेश से बाहर निकालने का कार्य करेगी। मुझे सोनीपत के सम्मानित मतदाताओं पर पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह न्यायपालिका ने श्री सुरेंद्र पवार जी को न्याय दिया है, उसी तरह जनता की अदालत में भी सोनीपत का प्रत्येक मतदाता 5 अक्टूबर को 4 नंबर हाथ के सामने वाला बटन दबाकर श्री सुरेंद्र पवार जी को न्याय दिलाने का कार्य करेगा। आपको बता दें कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सोनीपत से निवर्तमान विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया था।
पिछले कई दिनों से वो अंबाला जेल में बंद हैं और बीते दिनों उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जेल से बाहर लाया गया था। इस मामले में बीते दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और ईडी के मामले को खारिज करते हुए पवार को बरी कर दिया। अब जल्द ही सुरेंद्र पवार चुनावी मैदान में नजर आएंगे। ऐसे में एक बार फिर से भाजपा पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगेगा और यकीनन ये मामला भी भाजपा को भारी पड़ सकता है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।